लोकाविदं क्षेत्रं निर्मितं तेन ब्रह्मणा तदेवि काशिके तेतत् प्रोच्यते क्षेत्रमुच्यमं मुत्तमं। सबसे पहले शिवलोक का निर्माण होता है। जब सृष्टि शुरू हो रही है तो सबसे पहले शिव क्षेत्र का निर्माण हुआ, शिवलोक का। वो शिवलोक कहाँ है? का ये काशी जो है वही शिवलोक है, और इसी में शिव शिवा के साथ निरंतर विहार करते हैं। जैसे शिव शिवा कभी अलग नहीं होते, वैसे शिव शिवा दोनों मिलकर के काशी से कभी अलग नहीं होते। काशी के साथ भी इनका अविनाभाव संबंध है। जहां काशी है वहां शिव और शक्ति है, जहां शिव शक्ति है वहां काशी है। मुने प्रलय कालेपि न तत्क्षेत्रम कदाचन विमुक्तम ही शिवाभ्याम यत अविमुक्तम तदो विदु। एक समय की बात है, भगवान शिव काशी में बैठ करके तपस्या कर रहे थे। प्रलय का काल आ गया, सारी धरती जल में डूबने लगी। पार्वती जी ने कंधा पकड़ के हिलाया, महाराज ध्यान तोड़िए, प्रलय काल आ गया, अपने को यहां से हट जाना चाहिए। भगवान शिव ने आंखें नहीं खोली। पार्वती जी ने दोबारा कहा, तिवारा कहा, कई बार कहने पे भगवान ने कहा, चाहे प्रलय आ जाए चाहे महाप्रलय आ जाए, हम इस क्षेत्र को कभी नहीं छोड़ेंगे। विमुक्तम न शिवाभ्याम यत, भगवती पार्वती जी ने कहा, जब आप नहीं छोड़ेंगे तो हम क्यों छोड़ेंगे। ठीक है, अब हम आप ध्यान करिए, हम भी बैठे हैं। दोनों ने जिस क्षेत्र को प्रलय काल आ जाने पर भी, अपने नाश की संभावना देख लेने पर भी नहीं छोड़ा। न विमुक्तम इति अविमुक्तम, इसीलिए काशी का एक नाम अविमुक्त क्षेत्र है। कहते हैं जब भगवान शिव का विवाह हुआ तो भगवान शिव से शिवा ने कहा कि महाराज किसी नए स्थान का निर्माण करिए, जो आपके मन का हो, और वहीं पर हमको लेकर के चलिए। तो भगवान शिव ने अपने मन की नगरी काशी बनाई, और वहां पर शिवा को ले जाकर के उनके साथ विराजमान हुए। इसीलिए सबसे पहला नाम काशी का आनंदवन पड़ा, उसका नाम है आनंदवन। आनंदवने गौरी मुखोय त्रिकंटक विराजिते, संकल्प में वहां पर ऐसा पढ़ा जाता है। तो आनंदवन जो है वो अभिमुक्त क्षेत्र कैसे बना? इसी घटना के बाद, जब नाश की संभावना हो पर भी उसको छोड़ने के लिए भगवान शिव और शिवा दोनों तैयार नहीं हुए, तब से उस क्षेत्र का नाम अभिमुक्त क्षेत्र पड़ गया। इसीलिए अभिमुक्त माने काशी, और अभिमुक्तेश्वर आनंद माने काशी में जो आनंद ले, उसका नाम अभिमुक्तेश्वर आनंद। संन्यास हम लोगों का काशी में हुआ था, तो गुरुजी ने काशी का महात्म्य देख करके, और हम बहुत दिन से काशी में थे भी, हो सकता है ये नाम रखा हो, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अभिमुक्त क्षेत्र ये रमण नैरंतर्य को बताता है कि भगवान का मन वहीं रम गया, और ऐसा रमा कि फिर उन्हों को काशी छोड़ने की सुध ही कभी नहीं रही। और जब कभी काशी किसी कारण से, काशी खंड में कथाएं आती हैं कि कभी कभी थोड़े समय के लिए छोड़ना पड़ा, तो भगवान शिव काशी खंड में लिखा है कि जब जाने लगे तो पहला शिवलिंग वहां स्थापित कर गए, उसका नाम ही था अभिमुक्त। माने शिव जी जा रहे थे तब भी उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा, कब्जा करने के लिए अपना प्रतीक स्थापित कर दिया, उसी शिवलिंग का नाम अभिमुक्त शिवलिंग है। वो मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही था, अब तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए तोड़ के समाप्त कर दिया गया, लेकिन पुराणों में उसका वर्णन है, और जब तक पुराणों में वर्णन है तब तक उनकी पूजा तो वहाँ स्थान पर होगी ही होगी, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि मंदिर भले समाप्त हो जाए, मूर्ति भले हटा दी जाए, लेकिन कलौ स्थानानि पूज्यन्ते, जिसकी जो जगह है उस जगह का क्या होगा। वो जगह अगर भगवान की है तो वो तो जगह उनकी रहेगी, और उसी स्थान पर उनकी पूजा होती रहेगी। किसी समय फिर से अवसर आ जाएगा
जब किसी के मन में भावना आएगी कि नहीं जिसका जहाँ स्थान है उसको दे देना चाहिए, तो फिर से वहाँ उन्हीं देवता का मंदिर फिर से वो निर्मित कर देगा।